जय मसीह की। दोस्तों, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर मौके के लिए। और हम पिछले सेशन में सीख रहे थे, जान रहे थे हम इस विषय में, स्वप्न और दर्शन के वरदान के बारे में, जो आत्मा के वरदानों में से एक वरदान है, स्वप्न का वरदान, जिसका वायदा किया गया। हम पीछे समझ चुके उस सारी बातों को कि अंत के दिनों में प्रभु अपना आत्मा बहुतायत से ऊँढ़े लेगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे और दास दासियों पर भी अपना आत्मा ऊँढ़े लेगा। तो वो पूरी तरह से बाइबल के अनुसार है और सत्य वचन है। वो ऐसा वरदान है कि बहुत सारे युवा आज दर्शन का वरदान पा रहे हैं। बहुत से वो लोग जो ज़्यादा जानते भी नहीं मसीह को, लेकिन प्रभु उन्हें प्रकट करता है, परमेश्वर अपना प्रकाशन देता है। तो उसी विषय पर हम समझ रहे थे पीछे, और हमने उन सारी बातों पर चर्चा की। आप पिछले सेशंस में देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा है वो हम जारी रखेंगे कि हम इस विषय को समझने के लिए बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में से 37 अध्याय से आगे हम देख रहे थे यूसुफ नाम के चरित्र के बारे में, जिसको दर्शन का वरदान था, स्वप्न का वरदान था और परमेश्वर उसको बहुत सारी बातों का प्रकाशन देता था। लेकिन इस बात से उसके भाई उससे बैर रखने लगे और उन्होंने, हमने देखा, उसे गड्ढे में धक्का दे दिया और बंदी गृह में वो चला गया। सब तरह के दुख और सताव से उसको गुजरना पड़ा, यहाँ तक हमने समझा था। और आत्मिक अर्थों में भी बहुत सारी हमने बातें की थी, लेकिन उसी पर आगे चर्चा करेंगे। जो बात तब रह गई थी उस सेशन में, उसको आगे हम जारी रखेंगे। उसके लिए मैं चाहूँगी उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 39वां अध्याय, उसके कुछ वचन सिर्फ हम ध्यान देंगे दूसरे वचन से। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा चहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीषें देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इतना ही पढ़ूंगी मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि जिसको प्रभु प्रकाशन देता है, जिससे परमेश्वर दर्शन से स्वप्न से बात करता है, यानी कि आत्मा का वरदान है उसको। और जब वो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा अनुसार चलता है, यकीन करता है, विश्वास करता है कि प्रभु ने जो कुछ मुझसे कहा वो पूरा होगा, तो क्या होगा? जैसे यहाँ लिखा है, इतनी सारी विपत्ति आई, इतनी सारी मुश्किल आई, उसके खुद के स्वयं के भाइयों ने धोखा दे दिया, गड्ढे में धक्का दे दिया, बंदी बन गया, जेल में चला गया, क्या 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 हुआ आप सब जानते हैं, कैसे सताव उसके साथ आगे हुए। लेकिन ये उससे पहले की बात है कि जब उसको दुख और पीड़ा से गुजरकर, अपने भाइयों से, अपने परिवार से धोखा खाने के बाद एक ऐसी जगह आ गया जो उसका घर नहीं, उसका द्वार नहीं, उसके माता पिता भाई बहन नहीं, वो एक अलग जगह पर आ गया। लेकिन वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा को माना था। परमेश्वर की वजह से, उसकी आज्ञाकारिता की वजह से उसने ये दुख की घाटी से गुजरा था, क्योंकि प्रभु की बड़ी योजना थी उस समय उसके लिए। लेकिन खास बात मैं ये गौर करना चाह रही हूँ कि लिखा है कि वो परमेश्वर उसके साथ था और वो जो कार्य करता था परमेश्वर उसको आशीष देता था। यहाँ तक कि वो जिसके घर रहने लगा मिस्री के, उसने भी ये बात को जान लिया, उस व्यक्ति ने भी ये बात को जान लिया कि परमेश्वर इसके साथ है और ये जो कार्य करता है उस पर परमेश्वर की आशीष होती है। और यूसुफ की वजह से, जब से लिखा है, देखिए वचन, जब से उसके हाथों में उसने अपना काम सौंपा, तब से उन सारे कार्यों पर परमेश्वर की आशीष होने लगी, अनुग्रह होने लगा परमेश्वर का। कितनी अद्भुत बात कि प्रभु जिसके साथ रहता है उस पर ऐसा अनुग्रह होता है कि उसकी वजह से उस पे, तो उस पे साथ वालों पर भी आशीष होने लगती है हर कार्य पर।
ये कितने आनंद की और अद्भुत बात है कि सबने छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, और विशेष अनुग्रह विशेष कृपा दृष्टि उसके ऊपर रखी, यहाँ तक कि अन्य लोग जो कुछ भी नहीं जानते वो भी कहने लगे सचमुच इसका परमेश्वर इसके साथ है, और ये जो काम करता है उस पर आशीष होती है। और अद्भुत बात कि जिस दिन से इसने अपना काम यूसुफ़ को दिया, जो जो काम में यूसुफ ने हाथ लगाया वो काम सफल होने लगा, उस पर बरकत होने लगी, उसकी वजह से उस मिस्त्री के घराने पर बरकत होने लगी। ऐसी ही बरकत की बात आपने और हमने भी महसूस की जो आत्मिक रीति से जिनकी आंखें खुली है, आत्मिक आँख कान खोल के जो प्रभु की राह पे चलते हैं, भले ही दुनिया उनको मूर्ख समझे, डहा करे, ईर्ष्या करे, कुछ भी करे, लेकिन वो जानते हैं कि कुछ लोगों में इतना अभिषेक होता है, इतना प्रभु का अनुग्रह होता है कि उनकी वजह से और लोग भी आशीषित होने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा, मैंने भी किया है, बहुत सारे लोग प्रभु का धन्यवाद है मुझे ऐसे मिले जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, आत्मिक उन्नति भी करी, और वाकई में आशीषित होते थे, महसूस कर सकते थे वो अनॉइंटिंग, वो माहौल, जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ प्रभु का उपस्थिति उनके साथ साथ रहता है, हर एक काम पर आशीष होने लगी। और होना क्या चाहिए था, अगर हम दुनियावी बुद्धि से देखें तो सोचेंगे ये तो सारे भाई थे, इकट्ठे थे, और यूसुफ तो अकेला है, और वो भी बंदी गृह में, अनजान जगह में, कोई नहीं जानता। तो एक आम आदमी अपनी बुद्धि लगाएगा तो सोचेगा ये वाले लोग बड़े सफल हुए होंगे, क्योंकि घर में है, माता पिता साथ हैं, सब कुछ, भेड़ बकरियां हैं, भोजन वस्तु है, सब कुछ है, साथ में रहते होंगे तो इनका जीवन सफल होगा, आशीषित होगा। और यूसुफ तो अकेला है तो शायद मर गया होगा, लेकिन प्रभु का न्याय और प्रभु का देखना मनुष्य का नहीं है। परमेश्वर जिसको दर्शन देता है उसको एक उत्तम स्थान, ऊंचा, अपनी सोच समझ से परे ऊंचा स्थान परमेश्वर नियुक्त करता है। तो परमेश्वर उसे इसी प्रकार आशीष देता रहा, और ये भाई जिन्होंने एक छोटी सी बात, सोचो आप शुरुआत कहाँ से हुई कि वो दर्शन बताता है, ये लोग यकीन नहीं मानते, गुस्सा करते, वो छोटी सी बात बढ़ते 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 इतनी बड़ी हो गई कि इतनी ईर्ष्या, इतनी नफरत, कि इतना सारा षड्यंत्र रच लिया, इतनी सारी कहानी बना ली उन्होंने यूसुफ के खिलाफ कि वाकई में उसको धक्का भी दे दिया और गुलामी में बेच भी दिया दूसरी जगह। और उसके बाद यही बात ख़त्म नहीं हुई, पूरी झूठी कहानी रची अपने पिता को बताने के लिए कि यूसुफ को तो मार डाला गया है, किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, ये साबित करने के लिए आप देखो कलाम में पूरा लिखा है कैसे कैसे कहानियाँ बनाए अपने पिता को धोखा देने के लिए। और पिता भी कितने वर्षों की तरह अपने भाई, अपने बेटे के लिए, अपने उसके प्रेम के लिए, तो छोटी सी बात के लिए कि वो अपना दर्शन क्योंकि बताता था उसके लिए, इसके स्वयं के परिवार जनों ने इतना बड़ा कांड करा है देखो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। तो यूसुफ आशीषित होता रहा, और आगे जाके हम सब जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उसको उन दर्शनों और वरदानों को स्वयं दिखाता भी था, यहाँ तक कि दूसरों के स्वप्न का भी मायने और उसको समझाना सारा कुछ एक्सप्लेन करता था, सब कुछ समझाता था प्रभु। ऐसी बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी थी, ऐसी आशीष दी थी कि जिस कार्य पर वो हाथ लगाए उसकी वजह से और लोग आशीषित होने लगते थे। ये भाइयों का क्या हुआ अंजाम, ये सोचे भी नहीं होंगे यूसुफ कहाँ है या कहाँ नहीं है, क्योंकि उसकी परवाह उन्हें कुछ नहीं थी, वो तो सोच रहे थे मर ही गया तो अच्छा हुआ और अपने आराम से रह रहे थे। लेकिन एक वक्त पर जब सब प्रभु की योजना थी, अकाल पड़ गया सब जगह, और सबने सुना कि ऐसे ऐसे यूसुफ को वो नहीं समझे कि ये हमारा ही भाई है, लेकिन समझे वो व्यक्ति है, वो सबकी सहायता कर रहा है, भोजन वस्तु उससे लेने चलते हैं, उसको खुश करने के लिए जो कुछ उनके पास धन संपत्ति पशु जो कुछ भी रहा वो लेके गए खुश करने के लिए कि ताकि हमें उससे अनाज मिले। ये है दुनिया की प्रवृत्ति, अपना मतलब निकालने के लिए सोचते हैं हमारी सिफारिशों से, हमारे गिफ्ट से, हमारे अप्रिसिएशन से, हमारी चापलूसी से, इन सारी बातों से हम अपना मतलब निकाल लेंगे और हमारा जीवन चलता रहेगा। वो परमेश्वर के न्याय को नहीं जानते कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या सोचा, सोच विचार तक हमारे प्रभु जानता है, हमारे विचारों को दूरी से पहचान लेता है, ऐसा वचन कहता है।
अब इस मोड़ पर आकर जब युवा लोग इस कहानी को पढ़ते हैं तो सोचते हैं अब अच्छा मौका मिला होगा यूसुफ को, अब उसने हिसाब सब चुकता कर दिया होगा अपने भाइयों को, क्योंकि सारी शक्तिशाली पोजीशन पर वो है, सत्ता और सब अधिकार और सब उसको बड़े ओहदे पे रखा गया, उसकी बात मानी जाती है और वो ये सारी चीज़ अपने हाथ में लिए हुए हैं, और ये लोग आ रहे हैं मांगने, नहीं जानते हम उसी से मांगने आ रहे हैं जिसको हमने गड्ढा दे में धक्का दे दिया, जिसको हमने धोखा दे दिया, जो हमारा स्वयं का भाई। तो आजकल जो बच्चों का दिमाग है और जो फिल्मी दुनिया का है तो वो सोचते बदला लेने का काम, लेकिन देखिए प्रभु का आत्मा जिनके अंदर होता है, ना यीशु मसीह ने कभी बदला लेने को कहा है और ना वो उसी का आत्मा, क्योंकि प्रभु ही वो आत्मा दे के जाता है, जो कहता है मैं अपना आत्मा तो दे के जाता हूँ, सत्य का आत्मा। तो वही सत्य का आत्मा आपको कभी नहीं कहेगा ये अनुचित अन्यायपूर्ण कार्य करने के लिए, उसने किया तो मैं भी करूँ। फिर भी यूसुफ का प्रेम से भरा हुआ दिल था, तरस से भरा हुआ दिल था, भाइयों के लिए प्रेम का दिल था, मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, वही आत्मा उसके अंदर थी। और उसने बहुत समय तक बताया ही नहीं कि मैं तो ये हूँ और मैं तुम्हें जानता हूँ, देख सकते हैं कैसा कैसा क्या क्या हुआ उस कहानी में। लेकिन आज वो उससे भी अधिक बात आपकी और मेरे जैसे लोगों के लिए है कि अगर कई बार हम ये सोचने लगे और हमें ऐसा मौका भी मिल जाए कि अब अच्छा हुआ, अब पता चलेगा इनको, अब ज़रा परमेश्वर इन्हें दिखाए, तो वचन क्या कहता है, बदला लेना और ये सब कुछ करना और न्याय करना परमेश्वर का कार्य है, आपका मेरा कार्य नहीं है, लेकिन सावधान रहना आपका और मेरा कार्य है, और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलते रहने का काम आपका और मेरा कार्य है। तो आज ये स्वप्न का वरदान, ये दर्शन का वरदान जो बाइबल के मुताबिक है, जो बाइबल हमें बताती है कि आपको वो हर चीज़ में आगाह करता रहेगा। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, आपके भी होंगे, हम रोज़ गवाहियों में सुनते हैं ऐसी सब बातें कि परमेश्वर कोई बातों को हमें प्रकट करना चाहता है, और इस समय परमेश्वर का प्रकाशन बहुत आयत के साथ है। प्रभु चाहता है कि हम तैयार हो जाए आत्मिक रीति से, और इन सारी जो मिलावटी बात है, बहुत सारी बात जिनकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे, जब हम आत्मिक भाई बहन बात करते हैं और बताते हैं प्रकाशन के बारे में, तो वचन के अनुसार हम उस बात को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु का वचन एक ही जैसी बातें, वही बातें अपने लोगों को प्रकट करता है, जो इस समय प्रभु चाहता है कि इस समय हम लोग तैयार हो जाएं उस बात को जानने के लिए, समझने के लिए। बहुत सारी आत्मिक बातें, बहुत सारे आत्मिक वरदान। तो शुरुआत जो हमने करी है दर्शन की बात से, दर्शन के वरदान की बात के बारे में, कि प्रभु बताता है अपने लोगों को हर चीज़ में, क्योंकि उसका वायदा है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना आत्मा दिए जाता हूँ, तो मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, सत्य का आत्मा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। तो जागते रहो और सावधान रहो और परीक्षा में ना पढ़ो। आने वाले दिनों में हम सब उन्हीं आत्मिक विषयों पर बात करेंगे जिनके विषय के लिए खासतौर से युवा लोग पूछते हैं, किन किन विषयों के बारे में, उन सभी बातों पर प्रभु क्या प्रकाशन देता है, क्या बताना चाहता है, उसके लिए आप और हम तैयार हों यूसुफ के समान, यकीन करते हुए कि भले ही हमें प्रकट में अभी वो नहीं दिखाई दे रही बातें, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो सब कुछ प्रभु पूरा करता है। परमेश्वर आज के वचन के ज़रिए आप सबको आशीष दे, और हम तैयार करें आप अपने आप को उन आत्मिक वरदानों से भरपूर रखें, वो आत्मा के वरदानों से भरते चले जाएँ, और वही प्रेम का हृदय, वही दया का हृदय, वही आशीष हम सबको बांटते चले जाएं। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।